Hey guys, welcome back to Rakhi's Unique Food. आज हम बनाएंगे समोसे। ये समोसे मैं अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, कुछ डिजाइनर लुक के साथ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद ऑयल को गर्म कर लेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच सौंफ, इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच साबुत धनिया, जिसे यहाँ पर मैंने क्रश करके लिया है, इसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग। हींग से जो हमारा खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, जो मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ। ये डालने के बाद सभी चीज़ों को सॉटे करेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर सभी चीज़ें हमने सॉटे कर ली हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मैंने फ्रेश अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल किया है। ये डालने के बाद इसको भी 30 सेकंड के लिए सॉटे करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको भी हल्का सॉटे करेंगे 30 सेकंड के लिए। अब हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे, इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। फ्लेम को हम इसलिए बंद कर देंगे क्योंकि अगर हम फ्लेम को ऑन रखेंगे तो हमारा प्याज है वो जल जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। को पसंद है तो लाने, नहीं तो स्किप कर दें। अब हम 1 मिनट के लिए धीमी गैस पर मसालों को भी भून लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं वो भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप हरी मटर के दाने, ये डालने के बाद इनको भी सॉटे करेंगे। ये हरी मटर के दाने कच्चे हैं तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर जो हमारे दाने हैं वो कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इन सभी को कुक करके ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली केचप, इससे जो हमारी स्टफिंग का फ्लेवर है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। अब हम ये डालने के बाद इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो मसाले हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करके मैश करके ले लिया है। ये डालने के मसालों में अच्छी तरीके से आलूओं को मिक्स करेंगे। बड़े बड़े आलूओं को हम प्रेस करते हुए तोड़ देंगे। यहाँ पर हमें फ्लेम को धीमा रखना है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आलूओं को हमने मसालों में मिक्स करके ले लिया है। अब हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे साइड कर देंगे ठंडा होने के लिए। अब इधर हमने एक बाउल में 1 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, जिसे हम हाथों पर लेकर क्रश करके डालेंगे, इससे जो इसका फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाता है। ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही में अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद अच्छी तरीके से हाथों की सहायता से मैदा में ऑयल को मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हमने मैदा में ऑयल को अच्छी तरीके से मिक्स करके ले लिया है। आप देख सकते हैं जब हम इसकी मुट्ठी बांध रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से इसमें मोइन है वो हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डो है वो लग के तैयार हो गया है। अब हम इसमें से मीडियम साइज की एक लोई है वो तोड़ के ले लेंगे। अब इधर हमने एक चकला लिया है, चकले पर हम लोई रख के इसकी पूड़ी है वो बेल लेंगे। हमें यहाँ पर बड़ी सी पूड़ी बेल के तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने पूड़ी है वो बेल के ले ली है। अब हम इसके बीच से कट कर देंगे और एक लेयर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। एक लेयर में इस तरीके के हम कट लगाएंगे। आपको याद रखना है जो आप कट लगाएं वो जॉइंट रहने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से पतले पतले कट लगाने हैं हमें इसमें। यहाँ पर मैंने सभी कट हैं वो लगा दिए हैं। अब मैंने जो पूड़ी एक तरफ से कट करके ली थी उसे इस तरीके से ऊपर से रख दूंगी। रखने के बाद हल्का प्रेस करते हुए बेलन की सहायता से इसे बेल देंगे। ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं बेलना है। बेलने के बाद अब हम इसके किनारों पर पानी लगा देंगे और पानी लगाने के बाद इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरीके से लॉक करना है हमें इसे। तो यहाँ पर हमने इसे लॉक करके ले लिया है। इसका कोन जैसा है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें स्टफिंग फिल कर देंगे। स्टफिंग
स्टफिंग फिल करने के बाद इसके किनारों पर फिर से पानी लगा देंगे और अच्छी तरीके से इसे लॉक कर देंगे प्रेस करते हुए। तो हमारा समोसा है वो बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम और भी समोसे बना के फ्राई करेंगे। तो इधर हमने गैस पर ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रखा है। यहाँ पर जो ऑयल हमें गर्म करना है वो धीमी गैस पर 2 से 3 मिनट के लिए गर्म करना है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके समोसे तैयार किए हैं वो डाल देंगे और डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए धीमी गैस पर ऐसे ही फ्राई होने देंगे। जब एक तरफ से हमारे समोसे हैं वो फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी तरफ से इसी तरीके से फ्राई होने देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ से हमारे समोसे हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक इनके ऊपर है वो गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। ये समोसे हैं वो डबल लेयर में बनते हैं तो एक बैच को फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं धीमी गैस पर। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और जबरदस्त लगते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक बैच है वो फ्राई हो गया है। इसी तरीके से हम आगे के बैच भी फ्राई करके ले लेंगे। तो इस तरीके से डिजाइन और टेस्टी से समोसे हमारे बनके तैयार हो गए हैं, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं अपने चैनल पर ऐसी न्यू रेसिपी बनाती रहती हूँ तो उन सभी के लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन स्क्रीन में दे दिए तो आप देख सकते हैं, आ रही होंगी, आप इनको भी जाकर एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।